गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द वीडियो। अभी तो रात के टाइम है एंड मुझे रात के टाइम में वीडियो बनाना चाहिए, वरना दिन के टाइम बहुत ज़्यादा शोर होता है, गला भी बैठा हुआ है। कोई नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले एक महीने से वीडियो नहीं आया क्योंकि घर में सब लोग परेशान थे, अंकल की डेथ हो गई। उसी बीच मुझे ही सब कुछ करना पड़ा जो क्रियाक्रम थे। दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा बिजी था इस काम के दौरान। तो इसी बीच मैंने बस थोड़ा सा ही काम किया। तो इस वाले वीडियो में मैं इस पोर्शन को कंप्लीट करूँगा। कंप्लीट तो नहीं होगा बट जितना भी मैं करूँगा उसका फुल प्रोसेस मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आप आराम से देख सकते हैं, एक पेपर रखिएगा ऊपर, वरना हाथ लग जाता है। अगर मान लीजिए कि आपका हाथ ये चारकोल में ऐसा लग गया, राइट, जब आप काम करेंगे तब तो वो इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, तो वो बुरा इफ़ेक्ट देता है। इसीलिए एक पेपर ज़रूर रखिएगा। इस पेपर का नाम है स्ट्रेथमोर पेपर एंड मैं शुरू से लेकर एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा सारी सारी चीज़ें एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि ये स्किन टेक्सचर्स हैं। तो सब कुछ एक्सप्लेन ना करूं तो वो आप समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है एक्चुअली। जो पेपर है वो स्ट्रेथमोर का 270 GSM पेपर, आप ये भी बोल सकते हैं स्ट्रेथमोर 300 सीरीज पेपर, इसका रोल आता है, ठीक है। वो रोल को मैंने ख़रीदा था करीब करीब 4000 रुपये में। एंड जो पेंसिल मैं यूज़ करूँगा वो है आर्ट लाइन का पेंसिल, ज़्यादा महंगा नहीं है, 60 रुपये में पूरा सेट आ जाता है, राइट। देखिएगा आप, 60 रुपये में पूरा सेट ही आ जाता है, करीब करीब उसमें 6 पेंसिल्स होते हैं HB से 10B तक। तो शुरू करते हैं। प्रिकॉशन जो है, या पेपर आप रख लीजिए, जो भी पेंसिल टेंसिल है वो सब आप शार्प करके रखिएगा, क्योंकि शार्प करके ड्राइंग करने का मज़ा ही अलग है। शार्प ज़रूर रखिएगा। एंड ये कौन सा पिक्चर है ये आपको देख के ही पता चल रहा होगा, बट इट्स ओके। आपको अगर नहीं पता चल रहा तो धीरे धीरे जब मैं इसे कंप्लीट करूँगा किसी और, मतलब चलते रहेगा ना ये वीडियो रेगुलर, मैं रेगुलर लाता रहूँगा इस वीडियो को एज ए वीडियो जिसमें पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा। आपको पता चल जाएगा मैं ड्रॉ क्या कर रहा हूँ। एंड ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो कि आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा डिटेल्ड पोर्ट्रेट बनने वाला है, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जो टाइम है वो मेरा हर वक्त इंतहा ले रहा है। ऑलराइट, आपको शेडिंग के बारे में तो पता ही होगा। शेडिंग दो तरह से होता है, एक हैचिंग एक क्रॉस हैचिंग, ओके। जो क्रॉस हैचिंग होता है वो ऐसे होता है, मैं मान लो कि मैंने मुझे यहाँ पे शेडिंग करना है, ठीक है, इस जगह पे शेडिंग करना है, तो ये हो गया शेडिंग, मतलब हैचिंग, वो हैचिंग वाला प्रोसेस, राइट। अब क्रॉस हैचिंग करना है, नहीं तो उसमें जो लाइन है वो दिखेगा, तो मैं क्रॉस हैचिंग करूँगा बिल्कुल अलग डायरेक्शन से ऐसे। जो लोग भी हाइपर रियलिज्म फील्ड में कुछ सीखना चाहते हो तो अपने आप को लेवल अप करो यार। मुझे अब तक ये तो पता चल ही गया है कि जो जो आर्टिस्ट एवरेज ड्राइंग करता है, राइट, एवरेज ड्राइंग, एवरेज से मतलब है नॉर्मल से ड्राइंग, वो
उनका कोई भी वैल्यू नहीं है समाज में, ठीक है। उनको कोई, मतलब सोशल मीडिया में देख लो, कोई लाइक शेयर तो नहीं करता। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप ड्रॉ करोगे तभी कुछ लाइक शेयर्स एंड यू नो, उसके बाद सेलिंग, देन कोर्स वोर्स, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं होती। दैट्स वाई अपने आप को लेवल अप करो। मैं आपके साथ हूँ एंड मैंने तो पूरा ज़िंदगी अब इस ड्राइंग के नाम कर दी। अब मेरा ये अब मोटिव है कि हाइपर रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुँचाया जाए एंड बहुत इजी तरीके से, जो कोई भी कर सकता है ऐसा, ठीक है। ऐसे इजी तरीके से मुझे आपको समझाना है हाइपर रियलिज्म, ठीक है। इसका प्रोस कॉन्स जो भी है, जितना भी है मुझे आता है, जो भी जितना भी आता है मैं आपको समझाऊंगा। अब इसमें से आपका, आप कितना ले सकते हो वो आपके ऊपर है। हम लेयर्स के ऊपर काम करते हैं, ब्लेंडिंग में यूज़ करते हैं हम टिश्यू पेपर। चलिए टिश्यू पेपर को थोड़ा सा निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर एंड ब्रश, ये है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। ब्रांड का क्या यार, दुकान में जाओ टिश्यू पेपर लेके आओ। बाय द वे आप कमेंट करना आपके शहर में सर्दी कितना है। मेरे यहाँ पे तो अभी 10 चल रहा है, शायद 10-9 ऐसा चल रहा है। मैं मालदा से हूँ, मालदा वेस्ट बंगाल, वहाँ पे अभी शायद 9-10 चल रहा है। ये कमेंट करना आपके शहर में, आप कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो एंड आपके शहर में अभी टेम्परेचर कितना है। बहुत ठंड लग रही है कसम से। ओके, अभी हम चलेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें इस पे करेंगे, ठीक है। आपको बस ध्यान से देखना है कि हो क्या रहा है इस पर। अभी इस पोर्शन को करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस जगह पे थोड़ा सा डिटेलिंग है। डिटेलिंग तो होगा ही, डिटेलिंग आपको करना ही है क्योंकि हाइपरलिज्म में डिटेलिंग ऐसा होना चाहिए जैसे कुछ हार्ड भी नहीं, कुछ सॉफ्ट भी नहीं, एकदम परफेक्ट, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ज़्यादा डिटेलिंग मतलब हाइपरलिस्टिक ड्राइंग, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दो तो वो डिटेलिंग भी फीका पड़ जाता है वैल्यूज़ के सामने, ठीक है। सो आपका मेन जो काम है वो है वैल्यूज़ को परफेक्ट तरीके से बनाना। अभी इस जगह पे बहुत सारे रिंकल्स हैं, ठीक है, ओल्ड वुमेन है तो रिंकल्स तो होंगे ही। रिंकल्स को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मैं रिंकल्स, जो भी रिंकल्स है या डिटेलिंग है वो पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, वो भी थोड़े से प्रेशर के साथ, ठीक है, ताकि जब ब्लेंड हो जाए तो वो छुपे ना। ऑब्वियसली बात है ना, अगर छुप गया तो मैं ड्रॉ कैसे करूँ, इसीलिए मुझे उसे थोड़ा सा डार्क बनाना है। इजी प्रोसेस है, कमेंट करना ये आपको इजी लग रहा है या बहुत हार्ड लग रहा है। मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रिड मेथड, ठीक है। आपको ग्रिड शायद दिख नहीं रहा होगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट है क्योंकि उसमें मैंने प्रेशर ही नहीं दिया। ग्रिड को बस मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। मैं सारी ड्राइंग ग्रिड से ही करता हूँ, उसी के साथ साथ फ्री हैंड प्रैक्टिस भी करता हूँ। ग्रिड से जो प्रोपोर्शन का गलती है वो सुधर जाता है, ठीक है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ ग्रिड। एंड आपके मुताबिक आप किसी भी टेक्निक से इस ड्राइंग को कर सकते हैं। बस छोटा ड्राइंग कर सकते हैं, लाइक A3 साइज़ का मैक्सिमम।
उससे बड़ा उससे बड़ा का अगर कोई ड्राइंग होगा उससे बड़ा, तो आपको ग्रिड की सहायता लेनी पड़ेगी, तभी जो प्रोपोर्शंस है वो परफेक्ट आएगा। ठीक है, बहुत से आर्टिस्ट ग्रिड की मदद लेते हैं, इसमें कोई भला या बुरा नहीं है, बस ये एक टेक्निक है जिसे आपको सीखना है एंड इससे आप अच्छे से काम में लगा सकते हो। इनफैक्ट हाइपरलिज्म आर्टिस्ट तो ग्रिड से ही काम चलाते हैं, कुछ लोग तो किसी ये क्या क्या कहते हैं उसे, शायद अरे जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है ना स्क्रीन पर, प्रोजेक्टर, हाँ, प्रोजेक्टर, तो कुछ आर्टिस्ट तो प्रोजेक्टर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने देखा है इंटरनेशनल आर्टिस्ट है वो लोग प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं ताकि आउटलाइन को सही से बना सकते हैं, उन्हें ग्रिड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी रात में मैं लिटरली अपने घर में, अपने इस रूम में अकेला भूत से बातें कर रहा हूँ। तो अगर आप अगर इस यहाँ तक आपने देख लिया तो मुझे रिप्लाई करना, ठीक है, कि मैं देख रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड जब भी मेरा वीडियो देखें धीरज के साथ देखें, थोड़ा सा शांति लेके 10-15 मिनट, अच्छा लगेगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसा। ठीक है, ये आपके इम्प्रूवमेंट में जान दे देगा, क्योंकि हमारे ड्राइंग में बहुत सारी गलतियाँ तो होती है, तो मैं भी वो गलतियाँ करता हूँ, लेकिन मैं दिखाता हूँ कि मैंने गलतियाँ की है और इसे सुधारा कैसे जाता है ये भी दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ रिंकल्स हैं जिन्हें मुझे ड्रॉ करना है अभी, ये सब मैं ग्रिड से बना रहा हूँ, ग्रिड को देख के। ये वाला स्क्वायर मेरा है, तो स्क्वायर के अंदर जो जितने भी डिटेल्स हैं वो सबको मुझे बनाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फोकस करना इस डिटेलिंग पे, क्योंकि अगर एक भी चीज़ इधर से उधर हुआ तो मुश्किल हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट ड्राइंग पे उसे सुधारना पड़ेगा, ऐसा मतलब वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ड्राइंग तक, ताकि वो आपको सुधारने का मौका मिले। सो अगर आप सोच रहे हैं ये आपका वो ड्राइंग है जिसमें कोई भी गलती नहीं होगी, फिर भी दो दो तीन तो गलती होगी, राइट? मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि नेक्स्ट ड्राइंग में उसे सुधारा जाए। अगर मेरे पास आप पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हैं तो मंडे से फ्राइडे, मंडे एंड वेंसडे को सुबह 9:30 से 10:30 तक क्लासेस का अरेंजमेंट है, 1 घंटे का 9:30 से 10:30 बजे। फीस मैं मंथली हिसाब से लेता हूँ, एक बार में कोई चार्ज नहीं करता, मंथली मंथ जाएगा एंड आप मुझे पे कर देना, ये बस सिंपल सा हिसाब है। ये आप जितने मंथ चाहो उतने मंथ सीख सकते हो, मेरे साथ साथ सीख सकते हो, वो फ्री हैंड भी होगा, ग्रिड से भी होगा, हाइपरलिज्म भी होगा, रियलिज्म भी होगा, ठीक है, टोन पेपर पे भी होगा, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी होगा। ठीक है, जब जब मन करे, इट्स लाइक ए हैंग आउट विथ मी, और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि क्लासेस में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ पेपर को लेके, पेंसिल को लेके, क्योंकि बहुत सारे पेंसिल्स का एक्सपेरिमेंट मैंने किया भी है, इनको यूट्यूब में भी मैं अपलोड कर दूंगा बाद में, जब मैं फिर से रिक्रिएट करूंगा वो सीन को। आई एम सॉरी। सो ये कुछ रिंकल्स मैंने ड्रॉ किए, ठीक है, बट स्टिल कुछ रिंकल्स तो अभी छूट गए, तो उनको भी ड्रॉ करना होगा। ऐसे यहाँ पे एक है, और एक बात बता दूँ, ये सारे जो रिंकल्स हैं ना इनको छोड़ना मत,
एज्यूम करना कि ये सारे रिंकल्स एक एक सदस्य है आपके ड्राइंग का, ठीक है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। एज्यूम करना ये सारे सदस्य हैं आपके ड्राइंग के। अब हर एक सदस्य का एक एक सीट होता है, ठीक है? और सटीक सीट पे आपको सटीक पर्सन को आपको बैठाना है, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आप सही जगह पे उसको बिठा दिए तो आपका काम हो गया। उसको बिठाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है मुझे लगता है, क्योंकि लोकेशन फाइंड करना, फिर उससे बिठाना, वो अगर मोटा होगा कि पतला आदमी होगा ये तो मुझे नहीं पता, बट तो उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोज़ ये वाला जो लाइन है ये बहुत मोटा है, ठीक है, लेकिन ये वाला लाइन ये बहुत पतला है, तो ऐसे मोटा पतला ये सब फाइंड करके फिर बैठाना पड़ता है। ऑल राइट, अभी मुझे शेडिंग करना होगा, तो शेडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा ये वाला हैचिंग टेक्निक जो कि हमेशा से मैं करता रहा हूँ। ये HB पेंसिल है, रिमाइंड इट्स HB पेंसिल। शुरू में कोई भी 2B या 4B पेंसिल यूज़ मत करना, HB पेंसिल इज़ बेस्ट, ठीक है? इसे इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चलेगा कि वैल्यू जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंट में आके अगर आपने HB की जगह 4B यूज़ कर दिया और वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, या फिर 6B यूज़ कर दिया और वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं कि इस जगह तो काला हो गया, मुझे तो इतना काला नहीं चाहिए था, ठीक है? ऐसे करके शेडिंग करना। अभी शेडिंग के बाद आता है ब्लेंडिंग। देखना, ब्लेंडिंग के बाद सारा जो डिटेलिंग है वो छुप जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा डीप करना पसंद करता हूँ ये वाला चीज़। जो मेन मेन लाइन है उनको तो ड्रॉ करना ही करना, और कुछ कुछ लाइन छूट भी जाएगा, डोंट वरी, बट मेन लाइन को ड्रॉ करना। मेन मतलब कुछ मोटे मोटे लाइन है उनको ड्रॉ ज़रूर करना, नहीं तो वो अगर छूट गए तो आपके लिए बड़ी परेशानी की बात होगी। ये बिल्कुल लाइव चल रहा है एंड मैं लाइव ही क्लास या फिर वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट है उनको अच्छे से पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें। बहुत से यूट्यूबर हैं लेकिन वो अपने वीडियो में बहुत ज़्यादा कट्स लगाते हैं, क्योंकि वीडियो एंगेजिंग दिखना चाहिए। आई एम सॉरी, मेरा वीडियो तो एंगेजिंग नहीं है, मेरा वीडियो जो है वो रियल टाइम का है, एंड वो वाला जो एडिट करने का लोग चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर चाहिए, PC चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। बहुत ही हाई बड़े बड़े फाइल्स होते हैं ना का एग्जीक्यूट करना होता है, तो इसलिए वो चीज़ तो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं रियल टाइम वीडियो ही बनाना पसंद करता हूँ। ये दिया मैंने हैचिंग, इसके बाद दिया मैंने क्रॉस हैचिंग। ओके, इतना क्लियर है? इसे कहते हैं क्रॉस हैचिंग। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, आपको देखना होगा कि आपने जो दिया है वो वैल्यू जो है वो कम है या ज़्यादा है ड्राइंग से कंपेयर करके। ड्राइंग नहीं, रेफरेंस से कंपेयर करके। ड्राइंग तो आप कर रहे हैं, दोनों का मैच होना चाहिए, एकदम मैच, कोई ऊंचा नीचा नहीं, ठीक है? ऐसा मैच होना चाहिए। अगर लाइन नहीं दिख रहा है तो लाइन को मोटा ड्रॉ कीजिए, लेकिन ड्रॉ ज़रूर करना। चलिए अब इसको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा टिश्यू पेपर, एंड ऐसे मैं ब्लेंड करता हूँ
आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सब कुछ ब्लेंड हो गया, कुछ दिख भी नहीं रहा। इतना डीप मैंने ड्रॉ किया था लेकिन अब कुछ भी नहीं दिख रहा। तो सॉल्यूशन तो है मेरे पास, मैं यूज़ करूँगा अभी पेंसिल इरेजर। पेंसिल इरेजर अगर आपको नहीं पता तो ये है कोहिनूर का पेंसिल इरेजर, जिसका प्राइस है 92 रुपीज़ या 94 रुपीज़, अभी बढ़ के 95 भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। एंड इससे ही मैं डिटेलिंग करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है वो वाला जो पेंसिल वाला फीलिंग वो आता है, इसीलिए मैं इसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। चलिए अब थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, मतलब हाइलाइटिंग छोटा छोटा जहाँ पे भी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको कोचिंग नहीं मिलता, वो लोग इस वीडियो से फ्रीली सीख सकते हैं। एंड अगर रेगुलर क्लास चाहिए तो वो मुझसे भी सीख सकते हैं डायरेक्टली लाइव क्लासेस में, जो कि एकदम रेगुलर होता है मेरे साथ साथ। इससे मुझे भी फ़ायदा पहुंचता है एंड एक आर्टिस्ट के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है उनका दर्शक। दर्शक ही नहीं होंगे तो आर्टिस्ट क्या करेगा। जैसे कि वैन गॉग का जो स्टेरी नाइट है वो लोग नहीं पहचानते थे पहले, आज उसका महत्व अब पहचानते हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उससे पॉपुलर हो गया स्टेरी नाइट। बाकी उन्होंने बहुत सारे ड्राइंग भी बनाए थे वैन गॉग, वो सब पॉपुलर नहीं हुए, बस कुछ हुए। एक फ्लावर बस का था सनफ्लावर जैसा, वो भी हुए। ध्यान रखना ये फाइनल नहीं है, फाइनल बिल्कुल नहीं है। आपको देखना होगा कि आप ठीक ठाक जा रहे हैं कि नहीं, इसके बाद भी बहुत ज़्यादा करेक्शन आपको लाना पड़ेगा। मुझे ये करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने सोचा छोटा छोटा वीडियो बना के पोस्ट करता रहो, वीडियो अपलोड करता रहो, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, किस वीडियो इस चैनल से वीडियो क्यों नहीं आ रहा। तो ऐसे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ पेंसिल इरेजर्स से, ठीक है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। मेरे हिंदी को भी, टूटी फूटी हिंदी को भी माफ़ करना, मुझे अच्छे से तो नहीं आता, बस ट्राई करता हूँ, क्योंकि हिंदी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा है बंगाली के मुकाबले। मैं बंगाली हूँ, अमी बंगाली, एंड जो बंगाली स्टूडेंट है वो हिंदी समझते हैं, बट हिंदी जो स्टूडेंट है वो बंगाली कम समझते हैं। तो इसी बात को सामने रखते हुए मैंने सोचा हिंदी में ही बना देते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। बट या इंग्लिश का ऑडियंस भी बहुत सारा है, तो उनके लिए भी कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई विल मेक ए कोर्स इन इंग्लिश, जहाँ पे मैं सिखाऊंगा सब कुछ, हाइपरलिज्म रियलिज्म सब कुछ इन इंग्लिश। तो वो अभी प्रोग्रेस में है, बहुत सारा कमीशन वर्क्स है, तो वो कंप्लीट करके मुझे कोर्स पे ध्यान देना होगा। कोर्स पे बाय ज़रूर करना अगर आप हिंदी या इंग्लिश कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना, ठीक है। पेंसिल को शार्प ज़रूर रखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पे छोटा छोटा डॉट तक दिख रहा है उधर ऐसे घिसना मत, मतलब ऐसे,
उस जगह पे आप ऐसे भी घिस सकते हो, लाइक सर्कल 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 सर्कल, ठीक है, सर्कल करके। पेंसिल शार्प हो तो इसे करने का मज़ा ही अलग है, आई प्रॉमिस यू, इसे करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ऐसे डॉट डॉट्स करके टेक्सचर्स देता हूँ, छोटा छोटा, जो स्किन के ऊपर ऑलरेडी है। एंड ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस वर्क है, इसको हल्के में मत लेना, लेकिन इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, आई प्रॉमिस यू। जो भी सीखना उसे अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि सीखा हुआ चीज़ भूल जाते हो आप लोग, लेकिन अगर उसे अप्लाई करते हो तो आप कभी नहीं भूलते। कोई भी ड्राइंग करने से पहले उसे एच बी या एच पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, पहले ही डार्क शेड पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एक रिस्की मूवमेंट है। अगर आपने पहले ही डार्क पेंसिल यूज़ किया, लाइक 6B 10B, ठीक है, ड्राइंग को किसी से कंपेयर मत करना, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो किसी को नहीं आता, या फिर यू आर यूनिक, ऐसे समझ लो। तो किसी से कंपेयर मत करना, कंपेयर करके आप खुद को ही डाउनग्रेड करोगे और कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा आप बहुत कम जानते हो, कम ड्राइंग आता है आपको, ऐसा ही लगेगा और कुछ नहीं होगा। कंपेयर मत करना, ठीक है, ड्राइंग में कंपेरिजन किसी और से नहीं, आप खुद से करो। खुद से करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस यू। आप खुद देख लेना, अगर आप किसी और से कंपेयर करते हो तो कैसा रिजल्ट आता है, और खुद से जब कंपेयर करते हो तो कैसा रिजल्ट आता है। अगर कमीशन बॉक्स आ रहे हैं आपको, तो वो सब आप ग्रिड में ही करना, ग्रिड से ही करना, ग्रिड मेथड से। ग्रिड मेथड का एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है ऑलरेडी, वो आप देख लेना कि कैसे ड्रॉ होता है ग्रिड मेथड से। एंड या इट्स एक्चुअली दिस मच बोरिंग, जैसा आपको दिख रहा है, मैं इतने ही स्लोली काम करता हूँ, घंटों बैठे रहता हूँ बस एक टेक्सचर के ऊपर। इसीलिए ड्राइंग में जो इफेक्ट या फिर क्वालिटी वो आता है, नहीं तो नहीं आता, ठीक है। ये देखिए, हर एक जगह पे मुझे देख देख के, चुन चुन के शेडिंग करना होता है। अब ये सब मैं एच बी से ही कर रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं डायरेक्ट 6B क्यों नहीं यूज़ करता। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको आस्क करना है, क्या आप एच बी पेंसिल से 2B का वैल्यू ला सकते हो? ये है एच बी, ये है 2B।
तो क्या आप एज भी से टू बी का वैल्यू ला सकते हो? इफ़ द आंसर इज येस, तो आपको टू बी यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, देखिए ज़रूरत तो सारे पेंसिल को यूज़ करना है, बट कुछ टाइम में आपको ना पेंसिल बदलने में एक डिस्गस्टिंग फीलिंग आएगा कि बार बार आपको पेंसिल बदलना पड़ता है, अनलेस इट्स ए अलग अनदर मीडियम लाइक चारकोल, ग्राफाइट से चारकोल पे शिफ्ट कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन ग्राफाइट में ही अगर आपको तीन चार पेंसिल बदलना पड़ता है तो आपके लिए थोड़ा सा डिसगस्टिंग मोमेंट क्रिएट होगा। दैट्स वाई मैं एच बी से ट्राई करता हूँ जितना जा सके, उसके बाद मैं 4B, 6B ये सब यूज़ करता हूँ अगर एच बी से काम ना हुआ तो। ठीक है, आई होप आप समझ गए। और इस चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पे। खैर, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब भी कर दोगे, मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड मैं रात को ही शूट करूँगा ये सारी वीडियोस, नहीं तो दिन में बहुत ज़्यादा शोर होता है, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा मेरा आवाज़। बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है मुझे। ठंड तो लगी है। रिंकल्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, इसी पॉइंट पे मतलब इसी एरिया में बताऊंगा। इस वैल्यू को करेक्शन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इधर ना कहीं भी वाइट नहीं है, तो मैं वाइट रखूंगा ही नहीं, सब जगह पे कुछ ना कुछ शेड तो कर ही दूंगा। एंड देन उसके बाद ब्लेंडिंग टिश्यू पेपर से, इससे स्मूथ ब्लेंडिंग क्रिएट होता है।
जो लाइंस है उनको बनाने से पहले आपको ये सोचना होगा कि वो एक परफेक्ट लाइन तो नहीं है, आपको ऐसे बीच बीच में ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए कि एक लाइन में कुछ नहीं करना, धीरे धीरे ब्रेक्स लगा के एक लाइन क्रिएट करना, तभी वो अच्छा दिखेगा, अदरवाइज नहीं। आपको पेंसिल इरेजर के साथ ही बहुत सारा टाइम बिताना है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेंसिल है आपके लिए, और ये आपके ड्राइंग को अलग ही इफेक्ट दे सकता है, इतना तो क्षमता है इस पेंसिल इरेजर में। ड्राइंग में कंपटीशन तो नहीं होता, बट इंस्पिरेशन बहुत होता है। तो अगर आप अपना नज़रिया बदले और कंपटीशन को इंस्पिरेशन की तरह देखें, तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं ड्राइंग फील्ड में। इसको ऐसे देखना कि जब कोई आपसे अच्छा ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसको ऐसे जेलस भरी आंखों से मत देखना, उसको अगर ऐसे देखना कि इंस्पिरेशन, कि ये अच्छा लग रहा है, अब ये मैं भी ट्राई करूँगा अपने ड्राइंग में, तो इम्प्रूवमेंट आएगा, तब ठीक है। तो आप बिल्कुल जा सकते हो उसके उस थॉट से, तो आप बन गए कॉपीकैट। कॉपीकैट बनना बहुत अच्छी बात है, स्पेशली इन ड्राइंग। लोग कॉपी नहीं करना चाहते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हर एक चीज़ ड्राइंग में शुरुआत कॉपी से ही होता है। तो बी ए कॉपी कैट, अच्छा कॉपी कैट बनो, एंड जो डिट्टो कॉपी करना जानते हो, ठीक है, ऐसा मोटिव रखो। अगर मोटिव ऐसा रखोगे तो कॉपी में आपसे अच्छा कोई नहीं होगा। कॉपी ही धीरे धीरे चल के आपका खुद का स्टाइल बना देगा। तो पहले कॉपी करो अच्छे से, जो कर रहे हो शिद्दत से करो, कॉपी करो। आप मेरा भी कॉपी कर सकते हो, किसी और का भी कॉपी कर सकते हो, जिसका चाहे उसका, लेकिन पहले कॉपी करो और एक कॉपी कट बनो अच्छा। थोड़ा सा और प्लानिंग करते हैं, एंड इस ड्राइंग में मैंने इस ट्यूटोरियल में, सॉरी, जितना भी चीज़ें मैंने यूज़ किया है वो सारा मैं लिंक दे दूंगा कमेंट डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी जैसे पेंसिल ड्राइंग के रिलेटेड, मुझे पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा अगर मुझे आता है तो, जितना भी आता है उस खजाने से मैं थोड़ा सा देने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा।
बाकी मैं जो भी बनाता हूँ पूरा प्रोसेस साथ लेके बनाता हूँ। सब कुछ पूरा एक्सप्लेन किया गया है, कौन सा पेंसिल मैं यूज़ करता हूँ, कौन सा पेपर, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ऑल राइट, बहुत देर हो गया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं स्किन रिलेटेड ही कुछ वीडियोस लाऊंगा, एंड आई प्रॉमिस पूरा वीडियो में पूरा ड्राइंग जो है ये सारा मैं आपको दिखाऊंगा ट्यूटोरियल के साथ। शायद टाइम लैप्स तो नहीं होगा, बट ट्यूटोरियल आएगा, ज़रूर आएगा, और वो भी लंबा लंबा, ताकि आप बैठ बैठ के सब कुछ देख सको। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो कि मैं भी करता हूँ, एंड उसको सुधारता भी हूँ, एंड आई एम सॉरी अगर कुछ वीडियो अगर बोरिंग रहा तो। बोरिंग करने की कोशिश मेरा नहीं है, वो हो जाता है, ड्राइंग ही तो बोरिंग है भाई। क्या कर सकते हैं, अभी एक जगह बैठे रहो 4-5 घंटा तो बोरिंग नहीं तो और क्या है। तो अगर आपको उसमें भी अच्छी चीज़ें दिख रही है, बोरिंगनेस नहीं बट मज़ेदार सी चीज़ दिख रही है, तो लिटरली आप बहुत अच्छे फेस पे हो। क्योंकि मैं जब एक एक ही पोर्शन पे दिन भर बैठे रहता हूँ तो मुझे फिर भी थकान महसूस नहीं होती, इतना प्यार है ड्राइंग से। ऑल राइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।